घटना उड़ीसा में हुई और इनाव में 50 से अधिक लोग, लगभग 58 ग्रामीण सवार थे और वो गए हुए थे पूजा अर्चना की दृष्टि से, और उसमें से नाव पलटी और 50 लोगों को उसमें से रेस्क्यू किया गया है, उनको सहायता, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 8 लोग टोटल मिसिंग थे, उसमें से दुर्भाग्यजनक ढंग से, दुखद ढंग से 7 बॉडी रिकवर हुई है और एक अभी भी बॉडी मिसिंग है, रिकवर नहीं पाई है। उस पर देर रात तक उड़ीसा प्रशासन के सहयोग से, हमारे छत्तीसगढ़ से रायगढ़ के कलेक्टर, SP, CO, जिला पंचायत सभी लोग वहां पहुंच गए थे और उड़ीसा प्रशासन के साथ मिल करके उन्होंने रेस्क्यू का काम पूरा किया और बॉडी को, मिसिंग बॉडी को खोजने का काम किया। देर रात तक चला, वाटर विजिबिलिटी जब बंद हो गई तो रात में फिर रोकना पड़ा था और फिर सुबह 6 बजे से फिर से प्रारंभ किया गया और 8 में से 7 पार्थिव शरीर को प्राप्त किया जा सका है और उनको कलेक्टर वही बैठे हुए, SP वही बैठे हुए उड़ीसा में, तो लगातार ध्यान देकर काम कर रहे हैं। इसमें उड़ीसा सरकार की ओर से भी कुछ सहायता राशि दिए जाने की बातें सामने आ रही हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ में जो राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार 4 लाख रुपए राशि प्रत्येक मृत व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया तत्काल चल रही है।